साथियों, फिर से हम लोग आए हैं हिंदू कन्या महाविद्यालय में, जहाँ पे भारतीय जैन संस्थान के द्वारा ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, और ये इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ है मिस्टर अरुण जैन। अरुण जी नमस्कार। नमस्कार अरुण जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हरियाणा पे। आपसे जानना चाहूँगा ये किस बारे में आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं? ये हमारा कार्यक्रम नाम से प्रोजेक्ट है जी, अंगदान जीवन दान से रिलेटेड है जी। इसको हम तीन भागों में बांटकर सरलता से समझ सकते हैं जी, नेत्रदान, देहदान, अंगदान जी। तो सर, ये इसका कार्यक्रम का मतलब जो संचालन है वो किस जगह से होता है जी? वैसे हम BJS से जुड़े हैं, भारतीय जैन संगठन, जिसका हेड ऑफिस पुणे में है, लेकिन ये प्रोजेक्ट हमने दिल्ली से एज ए पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। ओके। फिर इसको हम ऑल ओवर इंडिया स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने स्थानीय स्तर पे क्या व्यवस्था की हुई है? हमने जो इस अंग दान की प्रक्रिया को राष्ट्रीय संगठन संभालता है नोटो, उसके साथ हमने भागीदारी की है, तो उसके साथ हम जो भी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं उनकी वेबसाइट पर डाल देते हैं, और जो भी हेल्पलाइन नंबर है हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कोई और व्यवस्था? आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग चाहते हैं कि सोशल मीडिया से भी उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं जी? हमने इसका फॉर्म भी गूगल फॉर्म निकाला है, जो डायरेक्ट लोग गूगल पर जाके भी भर सकते हैं, लिंक हम शेयर करते हैं, और बाकी इसका हम प्रचार गूगल मीडिया में भी कर रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि से भी हम इसका प्रचार करने का प्रयास। और शिक्षा या स्वास्थ्य को लेकर अभी आप कोई कार्यक्रम करते हैं क्या? जी, अभी अगर स्वास्थ्य की बात करूं तो कोविड में हमारे संगठन ने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी बड़ा काम किया है। अगर दिल्ली की बात करूं तो हमने 5 हॉस्पिटलों में 113 वॉलंटियर्स 33 दिन तक प्रोवाइड किए थे। ओके सर, और यहाँ जो ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें किस किस तरह की सुविधाएं आप पब्लिक को दे रहे हैं आज? इसमें हम पब्लिक को अवेयरनेस करने का मेन काम करते हैं, क्योंकि आज लोगों को जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत है। एक्सीडेंट इत्यादि कारणों से काफ़ी लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अगर उनके अंग लोगों को काम आ जाएं तो लाखों लोगों को ज़िंदगी दी जा सकती है, और नेचुरल डेथ में भी हम आंखों का दान कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी प्रदान कर रहे हैं। सर, इस जानकारी के लिए व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे माध्यम भी यूज़ करते हैं आप लोग जी? तो अगर मान लीजिए किसी को आपसे संपर्क करना, तो उसके लिए क्या आपके संपर्क सूत्र रहेंगे? हमने इसमें कुछ अपने नंबर भी दिए हैं, हेल्पलाइन नंबर भी है, और हमने डायरेक्ट नंबर देने का प्रयास किया है। जैसे मान लीजिए आपको नेत्रदान करना है, तो हमने हॉस्पिटल्स का डायरेक्ट नंबर दिया है, ताकि वो डायरेक्टली कोई भी जिसके पास भी अगर जानकारी एक दूसरे से चैन के थ्रू जाती है, तो भी ये काम हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए।